सन्ने हाशमे की बिना किताब आ चुकी है। यही जशन, जशन का मतलब है हंसना। आज धमाले भी डालो तो इबादत। आज कोई परेशान बैठेगा जिसका अली से ताल्लुक कोई, मुझे पाक बतूल की चादर की कसम, घर में मस्जिद भी पड़ी हो तो अली का जश्न मनाओ। तो जो है या नहीं है, मैंने अल्लाह सादात उजाम की मेहनत कबूल करे, अल्लाह सैयद के बच्चों को और ज्यादा अता करे। खूबसूरत बच्चा जेने चुप कर गए, चंदा नु चाचू आख दो कभी, चंद हमेशा मामा ही होंगे। कोई आंदे चंदा चाचू खड़े ही सामने सारे आए चंदा मामू। सोना कहते थे जाने जनाब देखो जाओ बोल को कोई गल चाचे चंगे होने दुई में चुप कर गया। पैगंबर अली को लेके घर से निकले, मजमाम ने पूछा किस में गया है नबी, चुप। भाई को लेकर पैगंबर चले, किसी ने अबा पकड़ी, शक्लें किस की तरह है, मुस्तफा चुप। फिर किसी और ने कहा किस में गया है, मुस्तफा चुप। ये चुप हुआ वो बोल पड़ा, मैं देखता हूं कौन बंदा है जिसे अली के आने की खुशी है। ये चुप हुआ वो बोल पड़ा, मेरे हबीब ने इससे पहले मेरे घर कोई आया, मैं इसके बाद कोई आएगा, तू चुप क्यों है, बताता क्यों नहीं। नबी की आवाज है परवरदिगारा, बच्चा या दादकों में जाता है या नानकों में, अगर ये आता अबू तालिब के घर फिर मैं बताता, आंखें हाशम की तरह है, होंठ अब्दुल मुत्तलिब की तरह है, चेहरा अब्दुल मुत्तलिब की तरह है। तूने इसे भेज दिया अपने घर, तेरे ना नानके हैं ना दादके हैं, मैं कैसे मिलाऊं। आवाज कुदरत आई, आवाज कुदरत आई, आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब, मेरे हबीब। अगर ये आता न्याज वाला बैठ के सुन, अगर ये आता अबू तालिब के घर, अगर ये आता अबू तालिब के घर, अगर ये आता अबू तालिब के घर, फिर मैं बताता होंठ मुत्तलिब की तरह, आंखें हाशम की तरह, चेहरा मनाफ की तरह। तूने इसे भेजा अपने घर, लम जलद वलम जूलद, न तेरे नानके न तेरे सादके। आवाज कुदरत क्या कहा मेरे हबीब, बच्चा घर वालों पे जाता है, कह दे हू बहू घर वाले पे गया है। हाथ जदुल्ला है, आंख है नुल्ला है, चेहरा वाछुल्ला है, जबान निशानुल्ला है, तो इसकी विलायत से खुश हो